नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम बैलेट बॉक्स में। तो शहर शहर होते हुए आज मैं पहुंचा हूं रुड़की। रुड़की के बारे में आपको बता दूं, पहले जिस तरह से यहां पर गुजरों का यहां पर शासन था और अगर दस्तावेजों की बात करें तो इसे वहां पर गुजरात सहारनपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1857 के विद्रोह में जिस तरह से यहाँ के लोगों ने क्रांति की, अंग्रेजों ने दस्तावेजों में से सिर्फ सहारनपुर लिखना शुरू किया। ये भी कहा जाता है कि रूढ़ी जो गुर्जर राजपूत और सरदार की पत्नी थी उनके नाम पर भी इसका नाम रुड़की पड़ा। तो ये तो रही इसके नाम की बात, इतिहास, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ राजनीतिक तापमान को मापने कि जिस तरह का चुनाव का यहाँ माहौल है, ऐसे में यहाँ की जनता क्या सोच रही है, किस आधार पर किस ओर जाने वाली है। यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ यह है रुड़की का एक मशहूर स्थल यानी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। शुरुआत यहीं से करूंगा। आज तक रुड़की का कोई विकास नहीं हुआ, नोटबंदी ने तबाह कर दिया देश को। जनता तो खुद तो ठगते ही है, लोग सब बातें करते हैं, सबकी बातें झूठे हैं। तो रुड़की घूम रहा हूँ, रुड़की में चुनाव नजदीक और यहाँ ढोल कौन बजाएगा, किसे मिलेगी जीत किसे मिलेगी हार, ये जानने के लिए, जनता का मन पढ़ने के लिए रुड़की में जगह जगह घूम रहा हूँ। इमली रोड चौक पे हूँ जहाँ लोग इकट्ठे हैं, जरा इनसे बात करता हूँ, इनके दिल के हाल को सुनता हूँ। दिल की बात क्या है, रुड़की क्या बोलेगी, चुनाव में क्या लग रहा है? वजह हमें तो हाथ का पंजा लग रहा है साहब। वजह क्या, जरूरत क्या है रुड़की की, रुड़की की जरूरत क्या, कौन सी चीज जो नहीं हुई जो होनी चाहिए आपके हिसाब से? मौजूदा विधायक थे वो पलट के दूसरी उसमें चले गए, उससे जो काम हो भी रहा था वो भी रुक गया। क्या चाह रही है रुड़की, क्या चाह रही है जनता, क्या होना चाहिए? रुड़की का विकास चाह रही है। मुद्दा क्या है रुड़की का, छोड़िए पार्टियों की बात एक बार हटा दिया जाए, जरूरत क्या है रुड़की की, जरूरत क्या है, विकास विकास रुड़की विकास चाह रहा है, कैसे होगा विकास, क्या चाहिए? चाचा कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। आज तक रुड़की का कोई विकास नहीं हुआ, कोई विधायक ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी पार्टी के आज तक कोई विकास नहीं किया। सीना साहब के टाइम से एक अस्पताल बना हुआ है, उसमें मशीनें लगी हुई है जो आज तक काम नहीं कर रही, आज 30-35 साल हो गए। कोई भी पार्टी का आदमी विधायक बन के आया या सांसद बन के आया जिला हरिद्वार का, रुड़की का कोई विकास नहीं हुआ। दिक्कतें हैं, उस पर काम नहीं हुआ, निराशा है लोगों में, कैसे होगा विकास? विकास की बात कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं पार्टियां भी कह रही है, कैसे होगा विकास, क्या चाहिए? रुड़की के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, एजुकेशन के लिए होना चाहिए रुड़की में। रुड़की में नहर पे हर वक्त जाम का मामला है, तो रुड़की को पुलों की आवश्यकता है। ये मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं। किस पर भरोसा हो रहा है, जो काम हुआ इस दौरान जिसको आपने भरोसा करके जिताया था, उन्होंने कुछ किया क्या? नहीं, वो तो कुछ नहीं कर पाए, पर कांग्रेस शासन चाहती है यहाँ की जनता। कांग्रेस के ही टाइम में विकास हुआ, तिवारी जी का टाइम रहा कांग्रेस का, जब यह विकास की गंगा भाई, अब हरीश रावत जी पिछले सरकार वाली भी स्थिति है, कांग्रेस से ही थे, बीजेपी में चले गए, इसको लेकर भी निराशा है, गुस्सा है लोगों में, क्या है भरोसा होता है क्या ऐसे में, जब पार्टियों में कोई टिक नहीं रहा है, काम करेगा ऐसे लोग भरोसा किया सकता है? विधायक साहब ने तो हमारे सबको भेज दिया, सबको भेज के दूसरे में चले गए। बोल रही है रुड़की, रुड़की बोल रही है, बोलो बोलो भैया, क्या चीज है आपको, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है यहाँ की, बहुत ही चीज विकास की, कैसे होगा विकास, क्या जरूरत है, कहाँ भरोसा किया आपने, भरोसे पे चीजें खरी उतरी हैं या नहीं? हाँ, कांग्रेस खरी उतरी है, कांग्रेस खरी उतरी है, समर्थन करते हैं आप, समर्थन कांग्रेस ही जिंदाबाद, कांग्रेस ही जीतेगी बस। उनसे क्या भरोसा करे जो सब आदमी को बेच गया, अपने पैसे बना लिए और बस आम आदमी का, इन सब लोगों का बेवकूफ बना के चला गया, बेवकूफ बना के चला, इस तरह की बातें कही जा रही है। तो क्या जनता इस बार फिर बेवकूफ बनने के लिए तैयार है क्या? इस बार क्या 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 डिसीजन, इंटेलिजेंट डिसीजन क्या होगा, क्या करने वाले हैं ये जनता, पता होना चाहिए। जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिनों का वादा किया था, कई महीने हो गए लाइन में खड़े लोग, अब भी नोटबंदी ने तबाह कर दिया देश को। एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो देश को बचा सकती है, वोटर को कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। मोदी जी जो बातें कह रहे हैं, बीजेपी जो कह रही है कि एक मौका हमें भी दिया जाए, क्यों नहीं वो मौका दिया जा रहा है, देना चाहिए क्या, देना चाहिए क्या? मौका तो सारा खत्म कर दिया बीजेपी ने, अब क्या मौका दें, सबको बर्बाद कर दिया, सबका कारोबार खत्म हो गए, क्या मौका दें उसे, जो अगर किसी का फायदा होगा
तो बड़े बड़े लोगों का फायदा होगा, गरीब का क्या फायदा हो रहा, रोटी घर में खाने को नहीं रही, अब क्या होगा यहाँ इसका। जनता बोल रही है, रुड़की बोल रही है, और ये मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे समस्याएं हैं, समस्याएं एग्जिस्ट कर रही है, और जाहिर सी बात है कि जो इसे दूर करेगा जनता कहीं ना कहीं उसी के साथ कनेक्ट होगी। यहाँ के लिए इतना ही। रुड़की में जगह जगह घूमते हुए मैं पहुंचा हूँ रामनगर का, ये मार्केट है, आसपास चहल पहल रहती है, यहाँ भी लोगों से बात करूंगा। भैया राम, यहाँ पर रुड़की में सब कुछ ठीक व्यवस्थित, खुश है यहाँ की व्यवस्था? व्यवस्था ठीक है, लेकिन थोड़ा ट्रैफिक की दिक्कत ज्यादा है, ट्रैफिक की दिक्कत, जाम बहुत ज्यादा है। ये क्या लंबे समय से ऐसा है, कभी कुछ हुआ नहीं इसको लेके? लंबे समय से जाम की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ रुड़की में। जो भी जिसको आपने अगर पिछले चुनाव की बात कर जिस पर भरोसा किया था, उन्होंने कुछ काम कराया क्या? काम कुछ नहीं करा, वैसे कागजों में ही हुआ लेकिन स्थान पर कोई काम नहीं हुआ। ऐसे में क्या असर मुश्किल आती है क्या? लोग भरोसा करके किसी को जिताते हैं, काम नहीं होता है, दुख होता है, फिर चुनाव आ गया, क्या करे जनता? अजी बस ये जनता तो कुतो ठगते ही है लोग, सब जनता को लोग ठगने वाले हैं यहाँ, कुछ नहीं, खड्डे वड्डे देख लो, हर जगह खड्डे खुदे पड़े, कोई सुनने वाला है ही नहीं। आप जनता क्या कठपुतली है, अपने आप को कठपुतली मानते हैं, जो जैसे चाहे वैसे घुमा ले कर ले, क्या करेगी इस बार की रुड़की की जनता? ऐसा जी देखो, परेशानी तो सभी को है जी, और इतनी परेशानी है कि जरा जी देर में है ना कोई सड़क खोल के दे, इधर से बाइक वाला आ जा, टक्कर लग जा, इधर से गाड़ी वाले आ जा, इतनी परेशानी हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी रुड़की के अंदर। लंबे समय से ऐसी है? नहीं, लंबे समय से तो नहीं ऐसा है, अभी साल डेढ़ साल दो साल से इतनी ज्यादा दिक्कत दिखाई दी, इतनी सड़क फाड़ के डाल लगी, हर जगह जाम मिलता। भरोसा किस पर किया जाए, चुनाव नजदीक? भरोसा अभी किसी पे नहीं है सर, नहीं है, सब वादे करते हैं, सबकी बातें झूठे। अब इलेक्शन आ रहे हैं, वो पुल बनना शुरू हो गया, इलेक्शन से पहले वो पुल टूट गया था। जनता है, खुली आंखों से देख रही है, समझ रही है, अभी सिर्फ चुनावी माहौल में काम हो रहा है, आगे भी काम होगा क्या चाचा, आगे भी काम होगा क्या? भैया कह रहे हैं कि पुल सिर्फ अभी बन रहा है, चुनाव है, आगे काम होगा। जब अभी तक नहीं हुआ काम, 75 साल हो गए, देखते अब नहीं हुए, फिर होंगे, 75 साल हो गए देखते देखते। तो रुड़की बोल रही है, जनता को कठपुतली समझने वाले समझ ले, जनता जाग रही है, मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, दूर जो करेगा उसी के साथ जुड़ेंगे ये लोग। जगह जगह घूम रहा हूँ, सीधे लोगों से बात, यहाँ के लोगों से बात, उनके दिल के हालात, मन में है क्या, ये जानने की कोशिश। ये दुकान पतंग की दुकान है, यहाँ पे कुछ यूथ हैं, पतंग लेने आए हैं आप यहाँ पर? जी पतंग लेने आए हैं, पतंग लेने आए। इस बार अगर मैं जानना चाहूँ चुनाव में किसकी कटेगी, किसकी पतंग कटेगी? भाजपा जीतेगी। जीतेगी? हाँ जी, भाजपा जीतेगी। क्यों कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं, भाजपा भाजपा। मोदी क्या? मुझे मुझे वजह बताइए, मुझे वजह बताइए, वजह बताइए, वजह बताइए, क्या 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 काम था जो नहीं हुआ? कुछ करा ही नहीं उसने, कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं। तो बीजेपी पे भरोसा क्यों? बीजेपी ही पे कोई भरोसा? भैया चाय पी रहे हैं, एक मिनट आपसे भी। बीजेपी पर क्यों, आपका भी मत क्या बीजेपी की? बीजेपी की क्यों भरोसा उन पे? क्यों जी, बीजेपी है और क्या, बीजेपी ही है, सीधी बात, आगे रहेगी, क्यों रहेगी? अच्छा, एक एक दल बदल वाली भी स्थिति बन रही है, दल बदल वाली, कोई कांग्रेस में निकल के बीजेपी में आ जा रहा है, इसको लेके कभी खुनसिया दुख नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, ठीक है। हाँ। व्यक्ति के साथ जुड़ाव है या पार्टी के साथ? व्यक्ति के साथ जुड़ाव है, पार्टी के, पार्टी के साथ, पार्टी। जनता किसकी पतंग कटेगी, अगर एक सुर में जाऊं तो किसकी पतंग कटेगी, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस की पतंग कटेगी, कटेगी। चले तो यहाँ की जनता तो ये कह रही है। चलते चलते कुछ बाइकर्स गैंग वो लोग भी मिले, युवा भी मिले हैं, आते जाते किस तरह की कोई दिक्कत परेशानी दिखती है? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब ठीक है, ट्रैफिक रूल सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। अभी मैंने देखा कि 3 लोग वहाँ जा रहे हैं, ट्रिपलिंग हो रही है, कोई ट्रैफिक नियम है? ट्रैफिक नियम तो है, बट अब यहाँ पे रुड़की में कुछ फॉलो ही नहीं कर रहा है, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। आपको भी लगता है सब कुछ ठीक है क्या? यहाँ ट्रैफिक रूल्स बहुत कमजोर है, यहाँ ट्रैफिक रूल्स कोई नहीं मानता, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं देखता। युवा फिरते हैं ऐसे ही, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, ऐसे अपनी डिग्री ले फिरते हैं, डिप्लोमा लिए फिर रहे, उन्हें भी कुछ नहीं मिल रहा है। कौन लाएगा बदलाव, कुछ है दिमाग में? जी कांग्रेस लाएगी, कांग्रेस लाएगी बदलाव। जितने युवा युवते वो सब कांग्रेस से और दिलोजान से कांग्रेस है, क्योंकि जो एक उत्तराखंड में जो बदलाव आ सकता है वो कांग्रेस ही ला सकती है। हर जगह जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरह के लोगों का व्यू ले सकूँ। यहाँ आंटी जी लोग हैं, जरा इनसे बात करता हूँ। नमस्ते नमस्ते, ये बताइए मुझे
दिक्कतें बड़ी हैं, महंगाई बड़ी है, सब कुछ ठीक है या कुछ कुछ बदलाव चाहिए? महिलाओं को किस तरह से दिक्कत आती है रुड़की में? कोई दिक्कत नहीं आती, सब ठीक है, सब ठीक है। तो आपने जब से किचन संभाला होगा, सब कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ आप बदलाव देख रहे होंगे, अच्छा बदलाव हुआ है या फिर बुरा? अच्छा ही हुआ है, बुरा तो कोई नहीं हुआ। अच्छे का क्रेडिट किसे देंगी? शासन भाजपा को ही थी, भाजपा को ही है। अच्छा, भाजपा की हटाइए इनकी बात। आप किधर की हैं? मैं तो कांग्रेस की हूँ भाई, कांग्रेस की। अच्छा वजह बताइए ना, ये तो भाजपा की हैं, आप कांग्रेस की तरफ क्यों जाना चाह रही हैं? क्यों आपका दिल ऐसा कह रहा है कि कांग्रेस अच्छा करेगा रुड़की के लिए? भाजपा नोटबंदी करी ना, बहुत परेशानी हो रही। टेप वेप लेके क्यों कंधे पर रखे हैं? टेलर है जी, टेलर। अच्छा टेलर है, क्या दिक्कतें आप देखते हैं इस दौरान? कुछ बदलाव दिखा है यहाँ पे? तो लोग झंडे वंडे भी सिलवाने आपके पास आते होंगे, हर पार्टी के? सब पार्टी के आते हैं जी, सिलते हैं सबके, मगर भाजपा ही सही रहोगी। अच्छा, सिलते सबके लेकिन सही भाजपा रहेगी। अब ये है रामपुर चुंगी का एरिया, यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ भी लोगों से बात करूंगा। तमाम लोग हैं यहाँ पर, अपनी अपनी बातें रखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल की बात निकालें इनकी, के मन में क्या है, दाव और वादों से अलग पार्टियाँ क्या कह रही हैं, कौन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं, ये जरूरी है जानना। और यही तस्वीर हम पेश करने जा रहे हैं, क्या है दिल की बात, जनता के मन में क्या है। चुनाव नजदीक है, झंडे लहरा रहे हैं सभी पार्टियों के। नोटबंदी का बहुत तगड़ा असर पहुंचा जी, काम बिल्कुल बंद हो गया यहाँ पे, काम बिल्कुल भी चल नहीं रहे, सारे जितने नई उम्र के लड़के सब ठाली हो गए जी, कोई काम नहीं चल रहा। अब यहाँ कांग्रेस को वोट देंगे जी, यहाँ कांग्रेस को। तो नोटबंदी के खिलाफ की बात कर रहे हैं, गुस्सा उसका होगा, होगा क्या गुस्सा सर जी? नोटबंदी से बेरोजगारी इस कदर हो गई कि लोग भुक्के मर रहे, बुरा हाल, भुखमरी आ गई और बहुत बुरा हाल हो गया। नोटबंदी को लेकर इन लोगों का गुस्सा और रुख आप समझ रहे हैं किधर का ये लोग करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जाने चले जाते हैं कहाँ? चाचा क्या बेच रहे हैं, क्या है ये? अरे बताइए तो। अच्छा चले, ये बता, ये अच्छा ये बताइए, ये बताइए इस बार माहौल रुड़की का क्या लग रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? कुछ नहीं, मुद्दे क्या है यहाँ के, मुद्दे क्या है, जरूरतें क्या है जो पूरी नहीं हुई? हम इस चक्कर में पड़ते ना पड़ते हैं, इस चक्कर पड़ते थे दो रोटी के वास्ते। वाह, ये भी है बड़ी बात है कि कई बार आम व्यक्ति जो है नहीं, शुक्रिया, जो थोड़ा सा काम कर लो। बड़ी बात ये भी कि ये भी कह रहे हैं कि इन सब चीजों से इनका कोई नाता नहीं है, मतलब नहीं है, दो रोटी मिल जाए ये जरूरी है। लेकिन सरकारें क्या वो दो रोटी मुहैया करा पा रहे हैं जिसके लिए वो दावे और वादे करती आई है? यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी सब घूम रही है, चुनाव नजदीक है, किसका वक्त खराब चल रहा है? वक्त तो हमारा खराब चल रहा है। दर्द वाली बात कर दी, फिलोसफिकल हो गए। तो इनका वक्त खराब चल रहा है जिसके वक्त को ठीक करने के लिए पार्टियां चुनाव में वादे और दावे करती हैं। तो डगर डगर गली गली जा रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, मिल रहा हूं, फूलों की दुकान, फूल वाले भैया नमस्कार, कैसे हैं, कैसे हैं, ये बताइए इस बार रुड़की में चुनावी माहौल किधर जाएगा, किसको ये फूलों की माला पहनाई जाएगी? हरीश रावत को। और जो दूसरी पार्टियां झंडा लहरा रही उनका क्या, बीजेपी लहरा उनका क्या? कुछ नहीं होने का, हरीश रावत ही आएंगे। हरीश रावत, ये भैया भी बोलना चाह रहे हैं, साइकिल वाले भैया बताइए। भाजपा में जो है उम्मीदवार बहुत ज्यादा है मुख्यमंत्री के, तो उनमें लड़ाई होनी पक्की है, तो इसलिए हरीश रावत जी को बनाओ, एक ही दावेदार है केवल, उन्हें जिताना सही रहेगा, उन्हें जिताना सही रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। कि हमारे जो सीएम साहब हैं हरीश रावत जी, इन्होंने तो उत्तराखंड का बेड़ा गर्क ही करके धर दिया। हाँ जी हाँ। अरे मैंने तो बहुत लोगों से बात की, वो तो कह रहे हैं कि वही उधार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक से लाख तक नहीं है, इन्होंने उत्तराखंड का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। उधार कौन करेगा, ऊपर कौन ले जाएगा? की वार जो है मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। ऐसा ऐसा कोई और मान रहा है, कोई आप भी, आपका क्या मानना है इस बार कैसे रुड़की और तरक्की करे, बेहतरी की ओर जाए, कौन करेगा? हरीश रावत। आपके हिसाब से, आपके हिसाब से भैया, आपके हमारे हिसाब से मोदी सरकार, मोदी सरकार। मिक्स रिव्यू है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ। हमारा ये मानना है कि अब की बार रिजर्व सरकार को ही यहाँ पे राउत की सरकार आनी चाहिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में की बार राउत सरकार आएगी तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे युवा भटक रहे। अलग अलग जगहों पे जा रहा हूँ, यहाँ की जनता के दिल की, मन की बात निकाल रहा हूँ। यहाँ एक फैमिली बैठी हुई है, नमस्कार।
ये बताइए, यहाँ रुड़की में घूमते हुए सब कुछ ठीक लगता है, सेफ महसूस करती हैं? कुछ परेशानी होती है, दिक्कत होती है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जी, व्यवस्था को देखा जाए, आप लोग दूसरे शहर में भी जाती होंगी, आप वहाँ देखती होंगी, वहाँ से तुलना करती होंगी, वहाँ रुड़की आप लोगों को कहीं से परेशान करता है लगता है? नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने, बहुत अच्छा। जी, बहुत अच्छा शहर है। ये रुड़की की जनता है, बोल रही है और भी बोलेगी।